तो स्टूडेंट्स एक बार फिर से प्रेडिक्शन करेक्ट हुई है, दो पैसेजेस रिपीट हुए हमारे पीडीएफ से और वो दोनों के दोनों जो पैसेजेस थे वो ऑलरेडी हमने किए हुए थे। तो आज की इस वीडियो में रीडिंग लिसनिंग के आंसर्स के बारे में बात करेंगे और आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि बहुत सारी चीजें आपके लिए इसमें इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एकेडमिक और जीटी दोनों की मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले एकेडमिक और जीटी के रीडिंग और लिसनिंग के आंसर्स की बात करते हैं। तो एकेडमिक के लिसनिंग के आंसर्स की पहले बात करते हैं, आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा नॉर्थ ईस्ट जो था वो फर्स्ट आंसर था। उसके बाद ये जो ऑर्डर में आंसर नहीं है मैं बोल रहा हूं, आप अपने हिसाब से इसको चेक कर लेना, ठीक है जी। नॉर्थ ईस्ट, क्वाइट, बीच, रेस्टोरेंट, गार्डन, हाई सीजन, वीकेंड्स, उसके बाद कुछ स्पेलिंग्स है सी एच ई डबल एफ आई एन एस, एक्सटिंक्शन, कंट्री लिविंग। उसके बाद ये जो आपको दिख रहे हैं लेफ्ट साइड के ऊपर, राइट साइड के ऊपर, ये कुछ अनश्योर आंसर्स भी हैं, पता नहीं, हो सकता है करेक्ट भी हो, पार्क, टेनिस कोर्ट और सी, ठीक है जी। यू मेरे तक आंसर पहुंचे, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, थोड़े बहुत आंसर्स में वेरिएशन हो सकता है, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। इलेवेंथ का आंसर था बी, ठीक है जी, फिर ए, फिर सी, फिर सी, फिर ए। उसके बाद मैप था और जो मैप के आंसर्स थे वो थे जी एच सी आई ए, ठीक है जी। 34 का प्लांटेशन या प्लांटेशंस, दोनों में एक आंसर था। उसके बाद स्टोरी, सिटीज और सिटी कुछ था, डेवलप्ड लैंग्वेज या कल्चर में अनश्योर है, आई एम नॉट श्योर, बस ये कल्चर ज्यादा स्टूडेंट बोल रहे हैं कि कल्चर आंसर सही है। और 40 का आंसर जो है वो प्रपोजिशन है, ठीक है जी। तो ये जीटी के साथ, तो जीटी वाले और एकेडमिक वाले दोनों के लिए ये कॉमन आंसर थे, ठीक है जी। आपको रिक्वेस्ट है चैनल पे नए आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें क्योंकि ऐसी ही प्रेडिक्शन अभी हम करने वाले हैं जिसमें हम बात करेंगे जो 15 अप्रैल को एग्जाम होने वाला, उसके बाद 20 को, 29 को। तो आप लोगों के लिए बहुत सारी बेनिफिशियल वीडियोज आने वाली हैं, प्रेडिक्शन वीडियोज भी आने वाली हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो तीन पैसेज आपको दिखाई दे रहे हैं एकेडमिक के लिए, प्रिजर्वेशन ऑफ गार्डन पेस्ट, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और इनसाइड द माइंड ऑफ अ फैन था, शायद फन लिखा हुआ यहां पे फैन था, ठीक है जी। तो ये था आपका जो पैसेजेस के नाम। उसके बाद हम आंसर्स की बात करते हैं, तो फर्स्ट पैसेज के जो आंसर हैं वो ऑर्डर में तो नहीं है लेकिन आप लोग चेक कर लीजिए। पहले जो चार पांच ट्रू फॉल्ट थे उसमें से फर्स्ट फॉल्ट, सेकेंड ट्रू, नॉट गिवन, नॉट गिवन, ये भी श्योर नहीं है, ये भी हो सकता है, थोड़े बहुत वेरिएशन हो सकता है। फोटोग्राफ्स, ठीक है, फिर उसके बाद प्लांट्स या सीड, फिर आइलैंड, फिर ओवरक्राउड, बुक, एजुकेशनल और लेबर, ये 36 और 34 के आंसर हैं, ठीक है जी। उसके बाद आ गया जी पैसेज टू, तो पैसेज टू पूरी तरह से रिपीट था, ये हमारे पास भी पीडीएफ जो हम सेल करते हैं उसमें भी अवेलेबल है ऑलरेडी। तो इसमें लिस्ट ऑफ हेडिंग थे 5 नंबर, 8 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर और 1 नंबर, ठीक है जी। ये कुछ थे पैसेज, इसमें से शायद एक आंसर थोड़ा सा मिसिंग लग रहा है मेरे को, पता नहीं कौन सा है, 19 है या 21, इन दोनों में से एक आंसर मिसिंग है, आई एम नॉट श्योर, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। अगर आपको याद है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो 22 का इक्वल अपॉर्चुनिटीज था, फिर इंटरनल कॉस्ट, फिर उसके बाद सी, सी, ए और बी। नेक्स्ट जो पैसेज है वो भी ऑलरेडी जो है वो किया हुआ है, तो इसको भी हम अपने पीडीएफ में ऐड कर लेंगे, लेकिन मतलब ये रिपीट है पैसेज, ऑलरेडी आ चुका है एग्जाम में। तो इसमें जैसे एफ, बी, ई, सी, डी, ई और उसके बाद सी, ए और सी। उसके बाद यस, नो, नॉट गिवन थे 36 का, यस, फिर नो, नॉट गिवन और यस। तो ये कुछ चीजें आपको देखने को मिली हैं। टास्क वन जो था उसकी अगर हम बात करें तो ये मैप ऑलरेडी हमने पैसेज में किया हुआ है, ठीक है जी। तो ये था कि आपको मेन इसमें इशू था कि आपको प्रेजेंट और पास्ट का टेंस कंपेयर करना था, तो आपको इसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस यूज करना था, मतलब हैज बीन, ठीक है, या फिर हैव बीन के साथ आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म देना था, ठीक है, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट में भी लिख सकते थे, स्पेशली जब आप चेंजेस बता रहे थे प्रेजेंट में, ठीक है। टास्क टू की स्टेटमेंट आपको स्क्रीन पे दिख रही है, विद द इंक्रीजिंग डिमांड फॉर एनर्जी रिसोर्सेज सच एज ऑयल एंड गैस, शुड पीपल बी लुकिंग फॉर सोर्सेज ऑफ ऑयल एंड गैस इन रिमोट एरिया अनटच्ड प्लेसेस।
डू द एडवांटेजेस ऑफ लोकेटिंग न्यू सोर्सेज ऑफ एनर्जी आउटवे द डिसएडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस और आउटवे डिसएडवांटेजेस के ऊपर ऐसे आया है, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं जीटी की। तो जीटी में फॉर्मल लेटर आपको देखने को मिली थी कल, और इसमें था कि आपको एक जर्नी, आप ट्रेवल किया था बस में, और जर्नी जो थी आपको एक्सप्लेन करनी थी, आपको कुछ प्रॉब्लम आ गई ड्राइवर के साथ, और आपको जो था वो उसका कंप्लेंट करना था। तो सेकंड जो मैंने आपको प्रिडिक्ट किया था, मैंने बताया था आपको रीजन सोल्यूशन आने के चांसेस होते हैं, तो वही चीज आपको देखने को मिली। नाउ डेज पीपल आर मूविंग टू बिग सिटीज, रीजंस बताने थे, और ये क्या चीज है, बैड चीज है या नेगेटिव थिंग है। तो ये चीज था, हम लोग काफी इजी था राइटिंग जीटी का, ठीक है। इसके जो राइटिंग, इसके जो रीडिंग के आंसर से आपको रिक्वेस्ट है, प्लीज अगर आपको कुछ याद है तो प्लीज शेयर कर दीजिए, ताकि स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। और किसी भी स्टूडेंट को मटेरियल चाहिए, जो रियल एग्जाम के पैसेजेस चाहिए, ठीक है, तो जैसे राइटिंग्स हैं या रीडिंग है या लिसनिंग है रियल एग्जाम वाली प्रैक्टिस के लिए, तो जहां से आपको पता कई बार पैसेज भी रिपीट हो जाते हैं, जैसे कि आज भी हुआ, हर एग्जाम में ऑलमोस्ट हो रहे हैं, लेकिन मैं ये गारंटी नहीं लूंगा कि आपको इसमें हो ही जाएंगे, क्योंकि कई बार नहीं भी होते हैं, तो लेकिन फिर भी कुछ लक का पता नहीं होता है। तो अगर आपको चाहिए आप मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर लीजिए, सारा मटेरियल आपको जो है राइटिंग रीडिंग लिसनिंग सारा कुछ 300 में मिल जाएगा जी, ठीक है जी। नंबर स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है। इस वीडियो को लाइक और चैनल कर लें, सब्सक्राइब, क्योंकि बहुत सारी वीडियोज अभी आपको आने वाले टाइम में मिलने वाली है। थैंक यू।